याद तुम्हारी आती है कविता पढ़ेंगे। इसके जो कवि है वो है राम नरेश त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी का जन्म है वो सुल्तानपुर जिले के कोरीपुर गांव में हुआ था। तो ये जो सुल्तानपुर जिला है वो उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कोरीपुर गांव में उनका जन्म हुआ था। राम नरेश त्रिपाठी जी है वो बहुत सारी विधाओं में उन्होंने लेखन किया है, अलग अलग साहित्य की उन्होंने रचना की है। जैसे कि वे कवि थे, जैसे उन्होंने कविता लिखी है तो हमें समझ में आ रहा है कि वो कवि भी थे, तो उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी कविताएं लिखी। वो उपन्यासकार भी थे, उन्होंने बड़े बड़े उपन्यास भी लिखे हैं जो हिंदी साहित्य में बहुत जाने पहचाने। वे नाट्यकार भी थे, मतलब कि उन्होंने बहुत सारे नाटक भी लिखे हैं। साथ में वे आलोचक भी थे। आलोचक मतलब क्या होता है? आलोचक का मतलब होता है कि जहाँ पे आप कोई एक बुक या कोई भी साहित्य की आलोचना करते हैं, जैसे कि ये साहित्य में ये अच्छी बातें हैं और ये बुरी बातें हैं, ये सब चीजें एक आलोचक कर सकता है। तो ये जो त्रिपाठी जी थे वो एक आलोचक भी थे। अभी यहाँ पे उनके काव्य संग्रह के नाम दिए गए हैं। उनके बहुत जाने पहचाने काव्य संग्रह ये प्रकार के हैं, मिलन, पथिक, स्वप्ना और मानसी। मिलन, पथिक, स्वप्ना और मानसी, ये उनके बहुत जाने पहचाने काव्य संग्रह है। इसमें से स्वप्ना जो है, स्वप्ना नाम का जो काव्य संग्रह है उनके ऊपर उनको हिंदुस्तान अकादमी से पुरस्कार प्राप्त हुआ है। हिंदुस्तान अकादमी एक बहुत बड़ा पुरस्कार है साहित्यकारों के लिए। तो स्वप्न नाम का जो उनका काव्य संग्रह है उसके ऊपर हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है, राम नरेश त्रिपाठी जी को। अभी यहाँ पे कवि हमें क्या कहना चाहते हैं? जैसे हमारे चैप्टर का नाम है तब याद तुम्हारी आती है, पर किसकी याद आती है? हम कोई भी चीज देखते हैं तो हमें अलग अलग चेहरे याद आते हैं, राइट? तो यहाँ पे त्रिपाठी जी काव्य में प्राकृतिक जो उपहार हमें मिले हैं या प्रकृति में जो बदलाव आते हैं, जो भी चीजें हम सुबह उठ के देखते हैं, वो सब चीजें देख के राम नरेश त्रिपाठी बोलते हैं कि तब याद तुम्हारी आती है। तो भी आपको समझ में आ गया कि प्रकृति हमें किसने दी है? भगवान ने। तो राम नरेश त्रिपाठी जी यहाँ पे बोलते हैं कि हे भगवान, मैं इतनी इतनी चीजें देखता हूँ या ये मौसम देखता हूँ तो मुझे किसकी याद आती है? हे भगवान, तभी याद मुझे तुम्हारी आती है। तो यहाँ पे जो कवि है त्रिपाठी जी वो कहते हैं कि जब भी हम सुबह उठते हैं तो कितना खुशनुमा वातावरण रहता है, हम देख के खुश हो जाते हैं, है ना? जो सूरज की किरणें आती है या कलियां खिलती हैं, बादल रहते हैं, जब भी बारिश का मौसम रहता है, तो तभी आपने देखा होगा कि सुबह का मौसम कितना अच्छा रहता है। तो ये सब देख के क्या होता है? ये सब देख के त्रिपाठी जी को भगवान को बोलते हैं कि हे भगवान, तभी हम मुझे तुम्हारी याद आती है। वो फिर कुछ भी हो, जब भी एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि हम घर में सुबह उठते हैं, बाहर जाते हैं, तो हम एक अपने घर में, सबके घर में एक कोई ना कोई प्लांट रहता ही है, कोई ना कोई एक पौधा होगा ही, तो उसमें अगर फ्लावर आ जाता है, कोई फूल खिलता है, तो हम वो देख के कितना खुश हो जाते हैं, भले एक ही फूल खिला है ना, वो भी आधा ही खिला, फिर भी उसे देख के हमारे चेहरे पर कितनी प्रसन्नता आ जाती है कि हम दौड़ के जाते हैं कि मम्मा देखो आज ना हमारे पौधे में, हमारे प्लांट में फ्लावर आया है, है ना? तो इतना छोटा सा फूल है वो खुद भी मुस्काता है और क्या होता है, हमारे चेहरे पर भी वो मुस्कान ला देता है। सुबह उठते हैं तो हमें पक्षियों की चहचहाट का आवाज आता है ना, बहुत सारी चिड़िया रहती है, वो गीत गाती है, चहचहाती है, तो उसे सुनकर हम कितने खुश हो जाते हैं कि आज पक्षियों की कितनी अच्छी आवाज आ रही है ना? और सुबह हम जब भी उठते हैं तो हम सूरज देखते हैं, तो सूरज की सनलाइट आती है, किरणें देखते हैं, वो पत्तों पे गिरती है, तो वो वातावरण कितना अद्भुत और मनोहर हो जाता है। उसके
वो बात करते हैं बारिश के मौसम की। तो अभी तो बारिश आती है, तो हम सब समझ सकते हैं कि बारिश के मौसम में वातावरण कितना अच्छा हो जाता है, कितना मनोहर हो जाता है ना। तो यहाँ पे कवि हमें, जो त्रिपाठी जी हैं कवि, वो हमें यही बात बताते हैं कि ये सब बदलाव है, ये सब मौसम या प्रकृति देख के हमें किसकी याद आ जाती है, हमें भगवान की याद आ जाती है। तो वो भगवान को कहते हैं कि हे भगवान, जब भी मैं ये सब देखता हूँ, ये सब चीजें देखता हूँ, तो मुझे आपकी याद आ जाती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी प्रस्तावना और कवि परिचय। अभी हम आगे देखेंगे कविता। आगे यहाँ पे कविता हम शुरू करते हैं। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। जैसे आप सबको पता ही है कि जो पक्षी रहते हैं वो बहुत जल्दी उठ जाते हैं। तो चिड़िया यहाँ पे सिर्फ चिड़िया नहीं है, मतलब यहाँ पे कवि सब पक्षी की बात कर रहे हैं। तो बहुत सुबह जब भी चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। कवि को भगवान की याद कब आती है? तो यहाँ पे वो बताते हैं कि बहुत सुबह जब भी चिड़िया और सब पक्षी क्या रहते हैं, सुबह उठकर खुशी के गीत गाते हैं, बहुत चहचहाते हैं, तभी मुझे तभी तुम्हारी याद आती है। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। जब भी कलियां हैं दरवाजे खोल खोल, मतलब कोई दरवाजा खोलने नहीं जा रही है कली, पर कली में से ही फूल बनता है ना। कली में से क्या होता है? फूल बनता है। तो कवि क्या कह रहे हैं कि दरवाजा खोल खोल, मतलब कलियां जो है अपनी पंखुड़ियां खोल के, मतलब पंखुड़ियों रूपी दरवाजे खोल के जब भी वो दुनिया पर मुस्काती है। यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रही हूँ, मुस्काती है, हंसती नहीं है। तो क्या होगा कि क्योंकि कलियां है वो फूल बन जाती है ना। हम सुबह, जैसे मैंने भी आपको बोला कि अभी अभी बोला कि जैसे कली रहती है, अगले दिन हम देखते हैं कि उसमें से फूल बन जाता है। मतलब कलियां हैं वो अपनी पत्तियां, उनकी जो पेटल्स जिसे हम बोलते हैं, वो सब कलियां खिल के अपने दरवाजे खोल खोल, मतलब फूल के रूप में वो खिल जाती है। और खिल के क्या करती है? दुनिया पर मुस्काती है, दुनिया पर, दुनिया के सामने ऐसे हंसती खिलती है ना। हम देखते हैं, जैसे मैंने पहले भी बोला कि हम देखते हैं फूल को तो हम खुश हो जाते हैं, हमारे मन में एक प्रसन्नता का भाव आ जाता है ना। तो कली हमें क्या बोलती है कि जैसे मैं मुस्कुरा रही हूँ वैसे आप भी मुस्कुराओ, है ना। जैसे मैं हंस रही हूँ, जैसे मैं प्रसन्न हूँ, वैसे आप भी प्रसन्न हो जाओ। तो कलियां हमें क्या बोल रही है? जैसे मैं अपने दरवाजे खोल के, मैं खिल के मुस्कुरा रही हूँ, वैसे ये दुनिया वालों आप भी क्या करो, मुस्कुराओ। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। और जब भी कोई फूल खिलता है तो क्या होता है, फूल में से खुशबू निकलती है, सुगंध निकलती है। और वो क्या, वो लहरें क्या रहती है, घर से बाहर दौड़ के, बाहर दौड़ लगाती है ना। वो घर, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, कलियां, हमारे घर की बात नहीं हो रही है, फूल, फूल में से वो जो सुगंध है वो घर से बाहर, मतलब फूल उसका घर हुआ तो वहां से वो सुगंध बाहर निकल के, बाहर दौड़ लगाती है, सब जगह फैल जाती है ना। तो यहाँ पे त्रिपाठी जी को पहली पंक्ति में भगवान की याद कब कब आती है? जब भी बहुत सुबह उठकर चिड़िया बहुत सारे खुशी के गीत गाती है, बहुत चहचहाती है, तभी। दूसरा, जब भी कलियां रहती है वो खिल के फूल बन जाती है, सब जब भी वो एक फूल देख लेते हैं तो वो प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान को याद करते हैं कि ये फूल किसने खिलाया होगा, है ना। फूल कैसे खिलता है, उसे हम तो खिलाने नहीं जाते हैं, तो वो क्या होता है, भगवान ने खिलाया है। जब भी बहुत सुबह उठकर चिड़िया गाती है तो चिड़ियों चिड़िया को गाना किसने सिखाया होगा? सब जितने भी पंछी हैं उसे गाना कौन सिखाने जाता है? हम तो नहीं सिखाने जाते, तो उन्हें भगवान सिखा के भेजते हैं कि हाँ आपको ऐसे गाना गाना है। तो वो क्या, ये सब जब भी हम सुनते हैं तो हमें किसकी याद आती है? भगवान की याद आती है।
जब भी हम फूल में से जो सुगंध हम सूंघते हैं या लेते हैं, तो वो कहाँ से आती है? वो भी हम तो डालने नहीं चाहते हैं अंदर, है ना, तो वो भगवान ही करता है। तो जब भी ये खुशबू है, उसकी लहरें जब घर से बाहर निकल के, बाहर घर से मतलब फूलों से बाहर निकल के, बाहर दौड़ लगाती है, बाहर निकल के सब जगह फैल जाती है, तभी क्या होता है, तभी हमें भगवान की याद आती है, तब याद तुम्हारी आती है। अगली पंक्ति में हम देखते हैं, जब छम छम बूंदे गिरती है, तो ये तो बारिश की मौसम ही अभी चल रही है, तो हम सबको पता है कि जब भी बारिश की बूंदे गिरती है, जब बारिश आती है, तो कैसी आवाज आती है, छम छम। तो जब भी छम छम बूंदे गिरती है, जब भी बारिश आती है, बिजली चम चम कर जाती है, और जब भी बिजली आती है आकाश में, तो कैसे आवाज आती है, चम चम। चम चम मतलब बिजली एकदम चमकती है, इसके लिए कवि ने ऐसा यूज किया है। जब चम चम बूंदे गिरती है, बिजली चम चम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, मैदानों में जहां पे बड़े 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 मैदान है, तो बारिश आती है, तभी क्या होता है, उसमें बहुत सारी घास उग जाती है या बहुत हरियाली आ जाती है ना। तो मैदानों में वन और बागों में, वन मतलब यहाँ पे जंगल, जंगल और बागों में, बागों मतलब बगीचों में जब हरियाली लहराती है, जब भी बारिश आने से क्या होता है, एक तो पहले बारिश आती है और बिजली चमकती है, तो उससे क्या होता है, बहुत सारी हरियाली फैल जाती है ना हमारे आसपास। अभी भी हम देख रहे हैं कि जो पेड़ पौधे रहते हैं वो कितने फ्रेश दिखते हैं, है ना, बहुत साफ सुथरे। पहले तो गर्मी में कैसा रहता था कि वो सूखे हुए रहते थे, पत्ते हैं जो उसके वो पीले पीले हो जाते थे, है ना, और बहुत सारी मिट्टी चढ़ी हुई रहती थी, बड़े बड़े पेड़ों के पत्ते देखना, उसके ऊपर बहुत सारी मिट्टी पड़ी रहती थी। और जब भी बारिश आती है, तो क्या होता है, वो पत्ते पूरे साफ हो जाते हैं, तो उसका जो हरा कलर हमें दिखता है ना, हरा रंग दिखता है, वो एकदम ताजा दिखता है, बहुत अच्छा दिखता है। तो पूरी हरियाली जहाँ पे घास नहीं उगी हुई रहती है, वहीं पे भी वो पूरा मैदान रहता है खाली, वो घास उसमें उग जाती है, पूरा वो ग्रीन कलर का, हरे कलर का हो जाता है ना, तभी हरियाली लहराती है। और कहाँ कहाँ पे हरियाली रहती है, मैदानों में, जंगल में, बगीचों में, सब जगह क्या हो जाता है, हरियाली फैल जाती है। तो ये देख के भक्त त्रिपाठी जी बोलते हैं कि ये सब मैं देखता हूँ ना, तभी मुझे हे भगवान तुम्हारी याद आती है। अभी इसके आगे की पंक्ति देखते हैं, आगे की पंक्ति में कवि हमें कह रहे हैं, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हम जहाँ पे देखते हैं कि बहुत गर्मी का सीजन रहता है ना, गर्मी की ऋतु रहती है, फिर बारिश आने वाली है, तो आप याद करो कि जब भी अभी अभी गर्मी का सीजन है, गर्मी की ऋतु है, वो खत्म हुई और बारिश आने वाली रहती है। हाँ, तो वो जो गर्मी में कहीं से ठंडी ठंडी हवा आती है और साथ में मिट्टी की खुशबू भी साथ में लेके आती है, तो वो क्या होता है, हमारा मन कितना प्रसन्न हो जाता है। हाँ, तो जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, मतलब मस्ती ढोकर मतलब क्या हो गया, साथ में लेकर। यहाँ पे कवि बोल रहे हैं कि जब भी कोई ठंडी ठंडी हवा आती है, तो ऐसा लगता है कि वो अपने साथ में मस्ती भी लेके आ रही है, मतलब प्रसन्नता साथ में रहती है, हमारा मन बहुत खुश हो जाता है वो ठंडी ठंडी हवा से। हे जग के सृजनहार, तब याद तुम्हारी आती है, हे जग के मतलब कि यहाँ पे जगत के, सृजनहार मतलब कि सृजन करने वाला, बनाने वाला, है ना, वो भगवान रहता है। जगत को किसने बनाया है,
भगवान ने, तो हे प्रभु हमें क्या होता है, तभी याद तुम्हारी आती है। कभी कभी याद आती है भगवान की, जब भी कविता में कभी बोलना चाहते हैं कि जब भी बहुत सुबह उठकर चिड़िया जब भी चहचहाती है, फूलों में से बहुत सारी खुशबू आ आती है सुबह जब भी फूल खिलते हैं तभी, और कभी आती है याद उनको जब भी बारिश का मौसम रहता है, जब भी आकाश में बिजली चमकती है, बारिश की बूंदें गिरती है और क्या होता है, पूरी दुनिया में पूरे बाग बगीचों मैदानों में हरियाली फैल जाती है, और जब भी ठंडी ठंडी हवा आती है तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, वो अपने साथ प्रसन्नता लेकर आती है, तो वो मस्ती मतलब यहाँ पे क्या होगा, प्रसन्नता, तो वो प्रसन्नता लेकर आती है साथ में। तो हे भगत, हे जगत के सृजनहार, हे जगत के रचयिता, हमें तभी याद तुम्हारी आती है। आ गया सबको समझ में? ओके, वेरी गुड, थैंक यू, आभार।